नमस्कार, मैं हूं अजय। ये सीधी तस्वीरें आप कैथल के मिनी सेक्रेटरेट से देख रहे हैं और मेरे पीछे भारतीय किसान संघ के कुछ सदस्य खड़े हैं और इनका मानना है कि हरियाणा में एक बड़े घोटाले का ये जिक्र करने वाले हैं और जो जिसके तार कई बड़े लोगों से जुड़े हुए हैं। तो क्या है वो घोटाला, पहले तो समझने की कोशिश करेंगे। एक चिप घोटाले का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या होती है ये चिप और कहाँ लगाई जाती है और क्या इसका यूज होता है? 18 और 19 के अंदर शुगर मिल कैथल में एक चिप पकड़ी थी जो पिटलेस कंटे में लगा रखी थी। वो वजन तुलता है जो शुगर मिल के प्रोडक्ट शुगर मिल से जाते हैं ना, जैसे चीनी होगी, सीरा हो गया, होई हो गया, जो रिपेयर करेंगे उसकी, जो रिपेयर में स्क्रैप आएगी वो सारे उस कंटे पे तुल के जाते हैं। इन्होंने चिप लगा रखी थी अपने फायदे के लिए और शुगर मिल को घाटे के लिए। क्यों? जैसे शुगर मिल का कांटा है वो, उसके ऊपर 125 या 150 क्विंटल चीनी तुल के गई तो कागजों में रिमोट से क्या कर दिया, 100 दिखा दिया। जो 50 क्विंटल बच गई उसके सीधे पैसे ले लिए। इसी तरह शुगर मिल 364 करोड़ के घाटे में चला गया। जिस फैक्ट्री का सारे प्रोडक्ट बिकते हों, सीरा, खोई, चीनी, तो घाटे में कैसे आएगा? सूखी लकड़ी 8 रुपये किलो है और गन्ना ले रहे 300 साढ़े 300 रुपये क्विंटल किसान से, फिर भी घाटा। घाटा होना नहीं चाहिए, घाटा नहीं, घोटाला है। वो चिप इस पिटलेस कंटे में लगा रखी थी। चिप बरामद हुई है 18 और 19 के अंदर, 178 नंबर FIR भी और यतीतरम थाने के अंदर। तो हमने जांच की मांग करी थी लेकिन कहीं ना कहीं पहले नुक्कल प्रशासन ने गोलमोल कर दी, उसके बाद विजिलेंस को दी जांच। अब ये आश्वासन दिया था मुख्यमंत्री ने कि जांच कराएंगे और दोषी को सजा दिलाएंगे, लेकिन ये जांच पीछे 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक नार्को टेस्ट होया, पोलियोग्राफी होया दोषियान का, जिसमें सेल्स मैनेजर जगदीश सूरजवान और एक कंपनी का आदमी अचलवीर को छोड़ दिया गया, जो सिक्योरिटी का अफसर था वहाँ मौके का, उसको छोड़ दिया। कहीं ना कहीं इनकी मनसा साफ नहीं है, क्योंकि जब जांच हो रही है तो 2-3 सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ के कि आपने पता है क्या कंटेम चिप लगी है, वो बोले नहीं, आप लगाने में थे कह रहे नहीं, क्या आपने देखी थी चिप लग रही थी कह रहे नहीं, वो हाँ क्यों कहेगा? जब चिप लगी है, बरामद हो रही है, तो रिमोट क्यों नहीं बरामद करते? रिमोट ही बरामद करना चाहिए जिसे कम ज्यादा कर रहे हैं। जब मुद्दा मिल गया, नहीं चिप तो मिल गई, लगी हुई, और ये भी क्या मतलब पता लग गया कि ये कम ज्यादा करने का काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं मिल में लेके उसको गोलमोल कर दिया गया मामले को और उनको क्लीन चिट दे दी गई है। तो आपको चिप से भी आपत्ति है और जो उस चिप का संचालन करने वाले अधिकारी थे उनसे भी आपको आपत्ति है? नहीं, अधिकारियों से आपत्ति है, चिप तो लगवाई है उन्होंने, चिप तो ना लगवाई है, क्योंकि पिटलेस कांटे में चिप आम आदमी तो नहीं लगाएगा और ना ही लगाने के आम आदमी को जरूर। चिप से गड़बड़ी होती है, कैसे आप दावा कर सकते हैं? ये खुली चिप है, ये लेबोरेटरी के अंदर गई थी और इससे पता लग गया 20 से कम और ज्यादा कर सकते हैं रिमोट से, लेकिन रिमोट इन्होंने प्रशासन ने उससे लिया नहीं, चिप मौके पर पकड़ा दी थी, चिप लग रही थी, अनजान आदमी तो लगा नहीं सकता उसको, आम आदमी क्यों लगावागा और कौन उसने अंदर जाकर कंटे के साथ छेड़खानी करने देगा? ये कहीं ना कहीं जो शुगर मिल का प्रशासन है उसने अपनी मर्जी से बाहर से एक्सपर्ट बुलाकर वो चिप लगाई है। तो अभी की जो विजिलेंस की जांच हुई है उसमें आप सेटिस्फाई क्यों नहीं है, संतुष्ट क्यों नहीं है? भाई, लाई डिटेक्टिव टेस्ट हुआ था, लाई डिटेक्टिव टेस्ट में जो रिपोर्ट थी वो हमारे नेगेटिव गई, उनको बचाने के लिए, उनके प्रति तो रिस्पेक्टेड आदि लिखा जा रहा है और पर्सन भी 4 पूछे गए। हमने कहा था भी पर्सन हमारे ढंग से पूछा जाए, जैसे 100 टन का चिप लगाते समय 100 टन का कंटा उठाना पड़ता है, वो किस चीज के साथ उठाया? वो चिप जो भौतिक पदार्थ है जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, थाने में वो चिप मिली थी, दर्ज हुई थी, अब स्टेट विजिलेंस के पास है, तो वो कहाँ जाएगी? उसको समाप्त कैसे करेगा प्रशासन? उसको विजिलेंस कैसे समाप्त करेगी? आखिर कोर्ट में अगर निरसन रिपोर्ट लिखेंगे भी तो जज भी पूछेगा, अरे चिप आई कहाँ से? इन बेवकूफ लोगों को, प्रोसिक्यूटरों को, प्रशासन अधिकारियों को इस बात का ज्ञान ही नहीं, ये भाई कर रहे क्या? इनकी मनसा खराब है। ये जो चिप घोटाले का विषय है सीरा माफिया से जुड़ता है, शुगर मिल के अंदर कई कई 100 करोड़ की स्क्रैप होती है, कई 100 यानी कि काफी सीरा जाता है, चीनी जाती है, अधिक चीनी ले जाते हैं, कम दिखाते हैं बिल, कम के अधिक चीनी को दस्ती में व्यवहार में लाते हैं, तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार पकड़ा था। ये हमारा उद्देश्य है, क्योंकि सबसे बड़ा मित्र भारत के अंदर सहकारी कृषि समिति है, जिनके सहकारी बैंक भी हैं, ये किसानों का, समाज का बहुत अच्छा मित्र है, उसको बचाने का भी अभियान है। भैया, जितने सहकारी शुगर मिल हैं हमारे बचे रहें, अन ये जो लुटेरे हैं अधिकारी, ये भ्रष्टाचारी, ये तो लूट जाएंगे इसने,
एक दबाव बनाने के लिए और ताकि भविष्य में कोई न कोई ऐसा भ्रष्टाचार ना हो तब जाके। लेकिन हम पीछे पीछे सरकार यानी कि प्रोसिक्यूशन अभियोग पक्ष आगे आगे, अरे भले आदमी तथ्य जुटाना प्रशासन का काम होता है, हमारे अनुसार हम तरीका बताएंगे, क्योंकि हमने पीछे बीच के में रेड एंड डीड करे पीसी एक्ट में भी काम करा, करप्शन के 420 में भी काम करा, हमारे अनुसार एक दिन में केस खुलता है, एक दिन में, ये 3 साल हो गया हमने धक्के खाते ने, मूर्ख बनावे भाई डीसी की एसपी की हमारे से कम उम्र है, हमने अलग अलग परिस्थितियां देखी, स्टेट विजिलेंस में भी हमने मेरे ख्याल में 2008 में हमने सबसे ज़्यादा FIR दर्ज करवा दी थी अम्बाला थाने में, आज तक नहीं हुई, हमने हर प्रकार के विषयों का पता, लेकिन मारे आ गई झूठ, एक सुंदे आदमी को तो जगाया जावे भाई खड़े हो, अरे एक आदमी दड़ ला रहा आँख मीच रहा, उसको कैसे जगाएं, प्रशासन हरियाणा सरकार दड़ ला रही दड़ आँख मीच रही भ्रष्टाचार के प्रति, मुख्यमंत्री हरियाणा के भ्रष्टाचारियों का संरक्षण कर रहे, संरक्षक हैं मुख्यमंत्री जी, भ्रष्टाचारियों के संरक्षण है, ये हरियाणा के लोगों के लिए दुख का विषय भी है, अनेक अनेक प्रकार के मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत तौर से हमने मुद्दे दिए जी, लेकिन सुनते ही नहीं, पता नहीं कड़ा दिमाग जा रहा, इसलिए डीसी से कह दिया, मुख्यमंत्री तो बात कर लिए, अरे भाई मुख्यमंत्री आवेगा हम विरोध करेंगे, सबसे पहले चीप घोटाले के तीनों के तीनों दोषियों को जेल में निडाओ, ये हमारी मांग है, चुनौती है, चैलेंज है। तो आप ये भी दावा कर रहे हैं कि कई और बड़े अधिकारियों के भी इसमें नाम है, कई नेताओं के भी नाम आ सकते हैं, ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं आप, और किन के नाम है फिर वो? दो प्रकार की आगमन और निगमन विधि से जाने हैं, कुछ बात अनुमान लगाया जाता है, कुछ बातों का तो अनुमान लगाया जाता है, और कुछ बातों वो देखी जाती है, अब अनुमान होता है, जैसे बिजली तारों में गुजरती है, तार दिखती है क्या, हवा दिख रही है क्या, अनुमान ही लगाया जाता है, अभी पिटलेस कांटा है उसके अंदर चिप लग रही, हमारे पास फोटो भी है, डॉक्यूमेंट है, हमें कमेटी गठित करी थी धर्मवीर, डिप्टी कमिश्नर धर्मवीर ने, उसमें बैलेंस पाया था, अभी इतना सीरा इतना खोई में घोटाला हुआ, इतना बैलेंस था, और स्क्रैप ऑलरेडी स्क्रैप का टेंडर होना था मुख्यतः लगाई तो चीप। नाम बता दीजिए ना, नाम नाम किन किन के नाम है, कौन वो बड़े अधिकारी हैं? बोल, सेल मैनेजर, सूरजबान कांटा ऑपरेटर, और अंचल बीज सिक्योरिटी ऑफिसर, और इनके ताल तार बताइए मनीष ग्रोवर के साथ, जो पूर्व सहकारी मंत्री थे, वो उस टाइम छोटा सा आदमी था, सीरे का व्यापारी था, सीरे को व्यापार करके और बेच रहा था सीरा, तम्बाकू वाला था, छोटे यानी कि छोटे लेवल से उठे, उनके तार थे, अब यो मैंने पकड़ लिया, अब यो तार सरकार की जड़ में बढ़ा है। अच्छा, इसलिए कार्रवाई करने से बच रहे हैं, ये है मुख्य बात। तो बड़े घोटाले का जिक्र इस वक्त कर रहे हैं जिसके तार सीधे तौर पर पूर्व में सहकारिता मंत्री रहे मनीष ग्रोवर से जुड़े हुए हैं। तो किसान संघ ये दावा कर रहा है और देखना होगा कि इस पर क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। कैमरा सहयोगी प्रवीण के साथ मैं अजय कैथल।